रीवा नगर निगम के जोन कार्यालय पहुंचकर बुधवार को नवनिर्वाचित पार्षद ने जमकर हंगामा मचाया। उस दौरान उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों के न होने पर लापता होने का पोस्टर भी चस्पा किया। बताया जा रहा है कि रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 40 से नवनिर्वाचित पार्षद नीलू कटारिया अपने समर्थकों के साथ नगर निगम के जोन कार्यालय 4 कई शिकायत लेकर पहुंचे थे, लेकिन अधिकारियों को चैम्बर पर ना पाकर पार्षद भड़क गई और उन्होंने कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और ऑफिस के बाहर लापता का पोस्टर चस्पा किया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नीलू कटारिया ने बताया कि उनके वार्ड में समस्याओं का अंबार है, लेकिन अधिकारी किसी की बात नहीं सुनते। समय मांगने पर भी अधिकारी समय नहीं दे रहे, मजबूरन हमें यहां आकर इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास राशन वितरण के मामलों में धांधली का भी आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर RI राजेश सिंह ने पार्षद के सभी आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि वह महापौर की मीटिंग अटेंड करने गए हुए थे, इसी वजह से वह जोन कार्यालय में मौजूद नहीं थे। वहीं PM आवास में हुई धांधली के सवाल का जवाब देते हुए RI ने बताया कि आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसकी पार्षद हूँ और यहाँ समस्या बहुत है। यहाँ के जो अधिकारी हैं कुछ सुन नहीं रहे, समय भी नहीं दे रहे, और फोन किया जाता है तो कहते हैं समय नहीं है, टाइम नहीं है, देखते हैं। इसीलिए हमारी वार्ड की जो जनता है सब इकट्ठा होके आए हैं और यहाँ भी आए तो लापता हैं, इसीलिए हम लोगों ने चस्पा कर दिया है। लापता का पोस्टर लगा, हाँ लापता का पोस्टर लगा दिया है। अभी भी वो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, अपने केबिन में है ही नहीं और सब परेशान है। अब जिताए हैं तो मेरे पास आ रहे हैं कि काम कराइए, अब काम यहीं से होना है। यहाँ पे हो गया बहुत भ्रष्टाचार वाला, वो चल रहा है, बिना पैसे के कुछ हो नहीं रहा। जी सर, मैं मीटिंग में था, महापौर जी की मीटिंग थी 11:30 बजे से, मैं वहाँ था। उसी समय शायद आए अशोक कटारिया जी पार्षद पति, और पार्षद जी भी थी शायद साथ में, उनके द्वारा ये पोस्टर लगाए गए। जबकि मेरे बाबू और स्टाफ था, ये सब लोग बताए कि मीटिंग से खाली होने के बाद तुरंत RI साहब आएंगे, उसके बाद भी उनके द्वारा ये पोस्टर वगैरह लगाए गए। अब PM आवास की धांधलेबाजी तो देखिए कोई कुछ भी कह सकता है, और अगर धांधलेबाजी हुई है तो उसकी तो जांच भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती। हाँ, कल उन्होंने फ़ोन किया था 4:30 बजे, उस समय मैं कोतवाली में था, विभागीय काम से मैं और रावेन सिंह RI वहाँ थे। उस समय उन्होंने फ़ोन किया था, मैंने उनसे आज मिलने का वादा किया था कि महापौर जी की मीटिंग के बाद जैसे ही खाली होऊंगा मैं आपसे मुलाकात ज़रूर करूँगा। अब पता नहीं उनकी क्या सोच थी, जबकि बताया था मीटिंग, अब कोई ये तो निश्चित नहीं है कितनी देर ख़त्म हो जाए। वो मीटिंग चलते चलते 2 बज गया महापौर जी की मीटिंग की, और उस बीच में उनके द्वारा आके ऐसा कुछ ये सब किया गया, जिसके लिए मुझको स्वयं खेद है कि अभी नए पहली बार भी मुलाकात नहीं। जब भी वो 2 बार उनसे मेरी सिर्फ फ़ोन में बात हुई, एक दिन हुई थी जिस दिन महापौर जी का शपथ ग्रहण था, उस दिन मैं बिजी था। कल भी ऐसे समय पे उनके द्वारा फ़ोन किया गया कि मैं विभागीय कार्य से कोतवाली में, मैं और मेरे एक और साथी रावेन सिंह राजस्व निरीक्षक वहाँ थे, मैंने उनसे आज मिलने का वादा ज़रूर किया था। पर यह था कि मीटिंग अब महापौर जी की थी तो उसमें भी रहना ज़रूरी था, मीटिंग के बाद आके मैं उनसे मुलाकात ज़रूर करता। उसके पहले ही उनके द्वारा ऐसा, और मेरा स्टाफ, मेरे बाबू थे यहाँ, और उनने भी बताया, कहा कि सम्मान उनको बैठने के लिए आदरपूर्वक इनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया कि जैसे मीटिंग खाली हो समाप्त होगी वो आके आपसे जरूर मिले। गुड मॉर्निंग TV मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में दैनिक समाचार पत्र गुड मॉर्निंग का ऑफिशियल चैनल है। खबरों में बने रहने के लिए YouTube में सब्सक्राइब करिए गुड मॉर्निंग TV को, और ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए।